नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोना भट्ट और आप सबका स्वागत है टेक होम टिप्स में। आज मैं आपके लिए चॉकलेट केक बनाने की बहुत आसान रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, वो भी बिना अंडे के और बिना ओवन के। तो प्रेशर कुकर में बनाते हैं आज चॉकलेट केक। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये इजी और आसान चॉकलेट केक की रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इजी आसान बहुत सिंपल चॉकलेट केक। यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में मैं हाफ कप शुगर पाउडर डाल दूंगी, जिसे नॉर्मल शुगर को पीस के बनाया है, और इसमें 1/4 कप हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो जो वेजिटेबल ऑयल है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और इतना ही यानी 1/4 कप मैं इसमें डालूंगी कर्ड। तो यहाँ पर कर्ड को बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ले आए थे, तब हम ऐड करेंगे। ठंडा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और अब एक विस्लर की मदद से इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं करने में। सारी चीज़ें अच्छे से मिल जानी चाहिए, इतना हमें इसे बीट करना है। अब यहाँ मैंने एक छन्नी ली है, और छन्नी के मैंने हमारा जो लिक्विड बैटर है उसके ऊपर रखा है, और उसमें 1 कप मैदा डाला है, 1/2 टीस्पून डाला है मैंने इसमें बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून डाला है मैंने इसमें बेकिंग सोडा। और इसके साथ मैं इसमें 4 चम्मच डाल दूंगी कोको पाउडर, जो चॉकलेट पाउडर होता है वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब हमें इसे अच्छे से छानते हुए हमारा जो नीचे का लिक्विड बैटर था उसमें हम डाल देंगे। तो देखिए, छानने से फ़ायदा होता है कि इसमें जो भी थोड़े बहुत लम्स होते हैं हम उन्हें जो है अच्छे से छान सकते हैं, और इससे हमारा केक का बैटर बहुत स्मूथ बनेगा। तो इस तरह से मैंने देखिए इसे छान लिया है, और अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो इस यहाँ पर बिल्कुल हम कट एंड फोल्ड मेथड का यूज़ करेंगे। एक ही डायरेक्शन में पूरा इसे मिक्स करने की कोशिश करेंगे, इससे केक बहुत अच्छा इवनली फूलता है। तो अब मैं यहाँ पर 1/4 कप मिल्क डालूंगी, जो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, और ये दूध बिल्कुल ल्यूक फॉर्म है, इतना कि मैं इसे उंगली से बहुत अच्छे से टच कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, गुनगुना गर्म है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे इसमें मिक्स करूँगी, और हम एक स्मूथ सा केक का बैटर इसे तैयार करेंगे। तो देखिए, मैंने इसे 2 शिफ्ट में डाला है, तो 2 बार मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला, और इस तरह से देखिए बिल्कुल स्मूथ हमारा बिल्कुल चॉकलेट कलर का केक का बैटर बिल्कुल बनके तैयार हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, तो इससे हमारा केक बहुत शानदार बनेगा। तो अब क्या करते हैं, केक टिन ले लिया है मैंने, एक एल्युमिनियम का केक टिन है, इसे मैं अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। तो यहाँ मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हैं, कॉटन से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैदा छिड़क रही हूँ, और इसमें मैदे की अच्छे से कोटिंग कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ। तो आप देखिए, हमारा केक टिन बिल्कुल रेडी हो गया है, और हमने जो केक का बैटर तैयार किया था वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सारा ही बैटर मैं बहुत अच्छे से इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, देखिए इस तरह से, और बस बहुत इंस्टेंट सा प्रोसेस है। देखिए, तुरंत ही हमारा केक का बैटर तैयार हो गया, और कितनी जल्दी से हमने उसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं इसे 3-4 बार थोड़ा सा टैप कर लूँगी, हिला लेंगे अच्छे से, ताकि हमारा अपर सरफेस स्मूथ हो जाए, साथ में एयर बबल्स भी केक में ना रहें। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे पूरा हिलाते हुए ऊपर का सरफेस स्मूथ कर लिया है। तो यहाँ पर केक, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो मैंने एक प्रेशर कुकर रखा है गैस पर लो फ्लेम पर, और एक इस तरह का मुझे बॉटम मिला था टिन, जो मुझे प्रेशर कुकर के साथ मिला था, उसे मैंने रख दिया है। और प्रेशर कुकर को 5 मिनट तक हम इसे गरम करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर की जो विसल होती है लिड में, वो हटा दूंगी, और साथ में गैस किट भी हम हटा देंगे, और प्रेशर को ढक्कन लगा के रखेंगे 5 मिनट तक। प्रेशर कुकर बहुत अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं केक का जो टिन हमने रेडी किया था वो प्रेशर कुकर में डाल दूंगी, और यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे, और लगभग 40 मिनट्स तक, 35 to 40 मिनट्स तक लो गैस फ्लेम में हम इसे कुक करेंगे। तो आप 30 मिनट से पहले मत खोलेगा, नहीं तो केक अच्छे से फूलेगा नहीं। और यहाँ एग्जैक्ट 40 मिनट्स हुए, और मेरा केक परफेक्टली देखिए कुक हो गया है। कितना अच्छा सा इसमें ऊपर से क्रस्ट दिख रहा है, तो ये परफेक्ट कुक हो गया है। मैं इसको इंसर्ट करके दिखाना है, यहाँ पर मैंने मिस कर दिया, वो मैं शूट करना भूल गई, लेकिन ये बहुत अच्छे से पक गया है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे एक वायर रैक पर रख दिया है कम्प्लीट कूल होने के लिए। और अब ये ठंडा हुआ है, तो मैं इस तरह से इसे किनारे चाकू घुमाते हुए केक टिन के इसे रिलीज़ कर लूँगी, क्योंकि हमने यहाँ बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस कर लीजिए, और इसे पीछे से थोड़ा सा दबाएंगे, टैप करेंगे, और देखिए कितनी आसानी से कितना परफेक्ट हमारा चॉकलेट केक बनके रेडी हो गया है। बहुत सॉफ्ट हुआ है, बहुत स्पॉन्जी है, हमने कोई एग का इस्तेमाल नहीं किया, और फिर भी हमारा केक परफेक्टली देखिए कुक हुआ है। मैंने इसे 3 इक्वल पार्ट में बांट लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं व्हिप क्रीम का यूज़ करके इसे डेकोरेट करूँगी,
और साथ में मैंने शुगर सिरप तैयार किया है, जो मैंने शुगर 3 बड़ा चम्मच शुगर और 5 बड़ा चम्मच पानी मिला के तैयार किया है। चीनी को अच्छे से पूरा घोल लिया है और इस तरह से हम केक के जो हम नीचे रखेंगे सबसे बेस, उसमें मैं इस तरह से स्प्रेड करूँगी। तो बहुत अच्छे से हमें शुगर सिरप डालना है जिससे काफ़ी केक मॉइस्ट हो जाए। देखिए इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हम इसमें लगाएंगे। तो अब आइसिंग के लिए मेरी विप क्रीम भी बिल्कुल रेडी है और यहाँ मैंने केक के लिए एक नीचे बेस रखा है, उसमें थोड़ी सी विप क्रीम लगा रही हूँ ताकि जब हम उसके ऊपर केक रखें तो केक हिले नहीं, उसमें अच्छे से स्टिक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे का बेस जिसमें मैंने शुगर सिरप लगाया था उसे ऊपर रख दिया है और अब विप क्रीम से इसमें एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे। तो यहाँ मैं विप क्रीम डाल रही हूँ और इसमें इसे अच्छे से मैं स्प्रेड करूँगी, देखिए इस तरह से। तो अगर आप पहली बार केक बना रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए, बस कीजिए। जो मैटर करता है वो करना मैटर करता है, आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं। तो आप करिए, क्योंकि जब बार बार करेंगे तभी आप में परफेक्शन आएगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरी लेयर भी केक के ऊपर रख दी है और सेम प्रोसेस, पहले हम इसे शुगर सिरप से अच्छे से ग्रीस करेंगे, उसके बाद हम विप क्रीम डालेंगे और विप क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ मैंने पूरी विप क्रीम चारों ओर अच्छे से लगा ली है और अब मैंने चॉकलेट को ग्रेटर से बहुत अच्छे से ग्रेट किया है और इस तरह से मैं ऊपर से पूरे में चॉकलेट की कोटिंग कर दूंगी। तो नॉर्मल चॉकलेट को आप थोड़ी देर बाहर रख लीजिए और उसके बाद इसे कद्दूकस से ग्रेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा बहुत यमी, बहुत टेम्पटिंग चॉकलेट केक बनके रेडी है। बहुत ईजी सा प्रोसेस था। एक बार जब पूरा हो जाए उसके बाद आप उसे केक को कम से कम 2 घंटे तक फ्रिज में रख दीजिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। मेरे पास कुछ स्ट्रॉबेरी पड़ी थी, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, अक्सर फ्रिज में रहती है, तो उससे मैंने ऊपर इसे उन्हीं की डिमांड पे ऊपर से मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगा दी। तो ये इजी से चॉकलेट केक की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सुपर मॉइस्ट है, सुपर डिलीशियस है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। टेक होम टिप्स देखते रहिए। टेक होम टिप्स देखने के लिए आपका धन्यवाद।